सिरोही शहर के स्वामीनारायण मंदिर में सिक्किम के महामहिम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। शहर के विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग, आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों व भाजपा कार्यकर्ताओं समेत सभी ने बहुमान किया। नागरिक अभिनंदन समारोह में संबोधित करते हुए राज्यपाल माथुर ने कहा कि सिरोही मेरी राजनीतिक रणभूमि रही है। समारोह के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ स्नेह किया और समय समय पर उन्हें संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2004 के आबू रोड दौरे को याद करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह उस समय के छोटी उम्र के कार्यकर्ता सारा सिंह चौहान, जिन्हें वे प्यार से उनके घर के नाम मोनू कहकर पुकारते थे, मोनू ने जिद कर ली कि वे नरेंद्र मोदी जी के साथ जीप में बैठूंगा। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों के परिवार के प्रति प्रेम देखने को मिला। उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत ही सरत सिंह को अपनी जीप में बिठा लिया और 3 घंटे तक जनयात्रा में अपने साथ रखा। श्री माथुर ने कहा कि यह है नरेंद्र मोदी जी की जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना, इसलिए कहते हैं मोदी का परिवार। सरत सिंह चौहान ने उस समय का यह किस्सा याद करते हुए बताया कि उन 3 घंटों में उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या बात हुई। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी उन्हें कहा कि आप तो अब मेरे साथ आ गए हो, सबके बीच सभा भी कर रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता? इसका जवाब देते हुए सरत सिंह ने कहा कि मुझे किस बात का डर जब आप मेरे साथ खड़े हो तो। इस पर नरेंद्र मोदी हंस पड़े और कहा कि आपको अब हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। जिस पर सरत सिंह, जो कि उस समय सिर्फ 13 साल के थे, उन्होंने मोदी जी को वादा कर डाला कि हमेशा मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा। प्रोग्राम के दौरान ओम प्रकाश माथुर और नरेंद्र मोदी ने सरत सिंह से पूछा कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हो। इस पर सरत सिंह ने बताया कि इतना तो अभी पता नहीं, मगर देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आबू रोड में दौरा प्रस्तावित हुआ। उस समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यहाँ जो दौरा होना था, उसका सारा कार्यभार महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी के हाथ में था, जो कि उस समय गुजरात के प्रभारी भी थे। तो मैंने ओम जी भाई साहब से जिद करी कि मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिलना है, उनकी जीप में बैठना है। ये बात जब नरेंद्र मोदी जी के कानों में पड़ी, उन्होंने तुरंत कहा कि बच्चे को मेरे पास लाइए, और उन्होंने मुझे अपनी जीप में बिठा लिया। हमने लगभग 3 घंटे तक आबू रोड का दौरा किया, सभाएं करी। उस दौरान मुझे एक वाक्य याद है, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने पूछा कि अब तो आप मेरे साथ जीप में खड़े हैं, तो आपको क्या डर नहीं लगता कि सब लोग आपको देख रहे हैं? जिसका मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुझे डरने की क्या ज़रूरत है जब आप मेरे साथ खड़े हैं। इस पर नरेंद्र मोदी जी हंस पड़े। ओम प्रकाश माथुर जी, नरेंद्र मोदी जी, मैंने लगभग 3 घंटे साथ में बिताया, कुछ और भी काफ़ी बातें करी। उस दिन मुझे पता चला कि कैसे नरेंद्र मोदी जी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। कौन कहाँ खड़ा है, क्या चाहता है, उसका वे हर समय ये ध्यान रखते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ 3 घंटे बिताने का मौका मिला। उस दिन मैंने नरेंद्र मोदी जी से वादा किया कि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूँगा।